किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल दाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आजकल फसलों में कई प्रकार के रस चूसक कीटों व इल्लियों का अटैक होता है और इनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कई प्रकार की कंपनियों की अलग अलग टेक्निकल के साथ कीटनाशक भी उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी फसल के लिए बेस्ट कीटनाशक कौन सी है, ये डिसाइड करने में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायर कंपनी की सोलोमन डाले या एपीएमसी की कोराजन। वीडियो में हम विस्तार से इनके टेक्निकल कार्य करने की विधि, ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करती हैं, इनके प्रति एकड़ डोज व इनकी प्राइस सभी के बारे में बात करके निष्कर्ष निकालेंगे कि बायर की सोलोमन और एपीएमसी की कोराजन में से बेस्ट कीटनाशक कौन सी हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, हम पहले इन दवाओं के बारे में स्पेशल बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी हैं। अगर बात करें सोलोमन की, तो सोलोमन में दो टेक्निकल होते हैं। पहला इमिडाक्लोप्रिड 19.81%, दूसरा बेटा साइक्लोथ्रिन 8.49%। यह दवाई इसी फॉर्मूलेशन में होती हैं। दो अलग अलग टेक्निकल होने के कारण यह दवाई इल्लियों और रस चूसक कीटों दोनों को कंट्रोल करती हैं। अगर बात करें यह कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल करती हैं, तो इस दवा के प्रयोग से थ्रिप्स, मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, जेसिड, एपिड, मच्छर, तेला, माहू, इल्ली, सुंडी, रिंग कटर, सेमीलूपर, फल छेदक, तना छेदक व गुलाबी सुंडी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर क्रॉप स्प्रे की बात करें तो आप सोलोमन का प्रयोग सोयाबीन, कपास, बैंगन, राहर, मक्का, गन्ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मूंगफली, खीरा, धान और मिर्च के साथ साथ सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय व धान वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। अगर इसके रिजल्ट टाइम की बात करें तो सोलोमन के प्रयोग से 10 से 15 दिनों का रिजल्ट मिलता है और एक एकड़ के लिए 100 से 120 ml सोलोमन का प्रयोग किया जाता है। 100 ml की ऑनलाइन प्राइस 300 रुपये हैं। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कोराजन के बारे में। तो कोराजन में टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रा निरिप्रोल 18.5%। यह टेक्निकल एसी फॉर्म में होता है। कोराजन एक प्रकार की सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब यह कीटों को टच में आने पर भी मारती हैं और पत्तों पर फैल जाती हैं, जिससे कीट अगर पत्तों को खाते हैं तो वह भी मर जाते हैं। अगर पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो कोराजन मुख्य रूप से इल्लियों को कंट्रोल करती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की इल्ली हो। कोराजन सेमी लूपर, रिंग कटर, तना छेदक, फल छेदक, काली इल्ली, भूरी इल्ली, फाल आर्मी वर्म इल्ली, पत्तियों को खाने वाली इल्ली, तंबाकू इल्ली व चने की इल्ली के साथ साथ सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। आप इसका प्रयोग सभी प्रकार के धान वर्गीय व सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। कोराजन के प्रयोग से आपको 15 से 25 दिनों का लंबा रिजल्ट मिलता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ और 60 ml की ऑनलाइन प्राइस 950 रुपये के आसपास है। आप चाहे तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोलोमन बेस्ट हैं या कोराजन। तो अगर रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो दोनों दवाओं का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और अगर स्पेशल इल्ली को ख़त्म करने के लिए आप कोई दवाई डालना चाह रहे हैं तो फिर आप कोराजन का डालिए, क्योंकि इल्लियों के लिए कोराजन सबसे बेस्ट हैं। लेकिन आपकी फसल में इल्लियों का कम अटैक है और उसके साथ साथ रस चूसक कीटों का भी अटैक है तो फिर सोलोमन बेस्ट हैं। अगर खर्चे के हिसाब से बात करें तो कोराजन के मुकाबले सोलोमन का खर्चा बहुत कम है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, आपकी फसल में इल्लियों व रस चूसक कीटों दोनों का अटैक है, तो आप सोलोमन ही डालिए। और अगर आप दूसरा या तीसरे स्प्रे कर रहे हैं और उस समय इल्लियों का ज़्यादा अटैक है, तो आप कोराजन डाल सकते हैं। लेकिन कोराजन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, आप उसकी जगह पर किसी दूसरे टेक्निकल की सस्ती दवा का प्रयोग करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।